जब हमें नक्काशी शुरू कराई जाती है उसकी हमें बेसिक बताई जाती है। उस बेसिक के अंदर सबसे पहले जो है ना हमारी ब्रश की ग्रिप अच्छी की जाती है कि ब्रश की आप हम इसको कहते हैं पकड़, ब्रश की पकड़ कैसे हो, सॉफ्ट हाथ रहे। अगर आप मेरे हाथ को छूएंगे ऐसे होंगे बिल्कुल काटन की तरह नरम। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ सख्त होते हैं, तो जिनके सख्त होते हैं उनके बुजुर्ग बताते हैं कि जी नक्काशी तो उसे सिखानी है, तो उसके हाथों पे बकायदा आटे का पेरा बना के ना बांधा जाता था ताकि हाथ सॉफ्ट हो। आर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंड, आपका सांस और आपका हाथ सॉफ्ट हो, ऐसे के फ्लो में हो। आर्ट के अंदर कहीं जोर जबर नहीं है कि मैं जोर से ये काम कर लूँ या ज़बरदस्ती, कभी भी नहीं है। हत्ता कि आप देखें जो सोने के ऊपर छिलाई कर रहा होता है ना लोहे की कलम के साथ, वो भी बड़ा सॉफ्ट हाथ लगाता है, वो भी कभी जोर नहीं लगा, जोर लगाएगा तो पूरा पीस फूट जाएगा। तो आर्टिस्ट का सबसे पहले हमें जो है ना माइंडली तौर पे, दिमागी तौर पे इस तरह सेटअप किया जाता है कि हमें एक चीज़ बार बार रिपीट की जाती है, सब्र सिखाया जाता है। फिर हम स्नैकी में कहते थे फट्टी निरी चट्टी बाद में निरी खट्टी, कहते हैं फट्टी है चट्टी, चट्टी में इनकी मुश्किल है, मशक है, आपको सब्र करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। जब आप इस पर अबूर हासिल कर लोगे फिर ये खट्टी है, खट्टी मीन कमाई है, फिर आपकी इज्जत है, फिर आपको इसमें से अल्लाह ताला रिस्क भी देगा, इसमें इज्जत भी देगा। लेकिन पहले शर्त ये है कि मशक करें, मशक करें, मशक। उसमें जब हम मशक कर रहे होते हैं एक तो दिमागी तौर पे हमें बिल्कुल ऐसे नील होना पड़ता है कि सब चीज़ें छोड़ के इस तरफ तवज्जो देनी है, निगाह को भी, दिमाग को भी, जिस्म को भी, सांस को भी, यानी अपने सांस को भी एक किस्म का रोकना पड़ता है। एक मौके पे ना सांस को भी स्टिल करके आप इतनी बारीक आउटलाइन कर रहे हैं कहीं से मोटी कर लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसने ये फट्टी की हुई हो वो कभी जिंदगी में मार हो।